खबर शाम करते हैं फाजिलपुर से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चौधरी अरशाद अली की रिपोर्ट के मुताबिक राजनपुर डिप्टी कमिश्नर राजनपुर डॉक्टर मंसूर अहमद खान बलोच की जेर सदारत महकमा सेहत का इजलास मुनाकिद हुआ। इजलास में इंसदाद पोलियो मुहिम इंतजाम और हेल्थ इंडिकेटर्स को जेर बहस लाया गया। डिप्टी कमिश्नर ने महकमा सेहत के अफसरान को हेल्थ इंडिकेटर्स बेहतर करने की हिदायत कर दी। डिप्टी कमिश्नर को ट्राइबल एरिया माड़ी पर वाटर सप्लाई स्कीम बारे जायजा। इजलास में एक्सियन पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग मोहम्मद आमिर ने मुकम्मल ब्रीफिंग दी। इस मौके पर कमांडेंट बॉर्डर मिलिट्री पुलिस मोहम्मद कासिम गुल भी मौजूद थे। मजीद बरान डिप्टी कमिश्नर ने डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स की जेर तमीर इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर ने मुतल्लिका अफसरान को काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत कर दी। इन्होंने कहा कि इमारत का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। म्यूनसिपल सर्विसेज कंपनी लोकल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स बारे जायजा इजलास में मैनेजर म्यूनसिपल सर्विसेज कंपनी तंजीलुर रहमान अलवी ने ब्रीफिंग दी और मौजा उमरकोट में जारी साफ पानी प्रोजेक्ट सीवरेज सिस्टम और साल्ट वेस्ट मैनेजमेंट की प्रोग्रेस बारे बताया गया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि वर्ल्ड बैंक के इस प्रोजेक्ट में क्वालिटी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इन्होंने नए तमीर होने वाले डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स की इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर ने मुतल्लिका अफसरान को काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत की।